बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक स्टूडेंट्स एट माय चैनल एसेंट कॉलेजेट। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, हम अपनी क्लास फर्स्ट ईयर बिजनेस मैथमेटिक्स में शाहिद जमाल सर की बुक को फॉलो करते हुए चैप्टर नंबर 3 इंटरेस्ट एंड एनविटीज सॉल्व कर रहे हैं और क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 4। इससे पहले मैं आपको 3 क्वेश्चन इसी एक्सरसाइज के सॉल्व करवा चुका हूँ। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने लिखा हुआ है, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट आई फाइंड आउट करना है ऑन ₹600, प्रिंसिपल 600 फॉर 6 ईयर, टाइम हो गया 6 ईयर, एट 9% रेट हो गया 9%, कंपाउंड क्वार्टरली। मैंने आपको बताया स्टूडेंट्स, कंपाउंड क्वार्टरली, कंपाउंड मंथली, कंपाउंड सेमी एनुअली, हम किससे जाहिर करते हैं एम से, और क्वार्टरली का मतलब है 4 टाइम इन अ ईयर। ये आपका डाटा हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। एस कंपाउंड अमाउंट मालूम करनी है, जबकि पूछा इंटरेस्ट है, लेकिन इंटरेस्ट मालूम करने के लिए आपको मालूम है हमें कंपाउंड अमाउंट फाइंड आउट करनी पड़ेगी, ठीक है। फॉर्मूला आपके सामने लिखा है, एस इज इक्वल टू पी 1 + R/MMT। एस ऐसे ही आ गया, पी की जगह पी की वैल्यू, आर आपको गिवन है स्टूडेंट 0.09, क्योंकि 9 को 100 से डिवाइड करेंगे। एम आपके पास कंडीशन है 4, एम आ गया 4, और टाइम आपको दिया हुआ था 6 ईयर। स्टूडेंट्स, 0.09 डिवाइड बाय 4, कैलकुलेटर को यूज़ करते हुए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं तो आपके पास एक आंसर आ रहा है 0.225। 4 × 6 = 24, 600 अपनी जगह, 1.225 × 24। कैलकुलेटर की मदद से इसको हम 24 टाइम पावर अप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स, तो आपके पास आंसर आ रहा है, काफ़ी बड़ा आंसर है, 1.705766। 600 और इनके दरमियान आपस में साइन नहीं है, तो इसे आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे स्टूडेंट्स, तो हमारे पास आंसर आ रहा है 1023.47, दैट इज़ योर एक्यूमुलेटेड अमाउंट। लेकिन हमें ये मालूम नहीं करनी, हमें मालूम करना है इंटरेस्ट, लेकिन इंटरेस्ट मालूम करने के लिए स्टूडेंट्स आपको ये सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये हमारा एस आ गया। मज़ीद हम आई इंटरेस्ट मालूम करना है, आई का फॉर्मूला होता है S - P। एस एक्यूमुलेटेड अमाउंट आपने फाइंड आउट की है, पी आपको दिया हुआ था 600, माइनस करते हैं स्टूडेंट्स। जब आप इसको 600 से माइनस कर रहे हैं तो आपके पास आंसर आ रहा है 423.46। तो ये आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 स्टूडेंट्स, फाइंड द कंपाउंड अमाउंट। कंपाउंड अमाउंट हम एस से सिंबल से जाहिर करते हैं, एक्यूमुलेटेड वैल्यू भी कहते हैं स्टूडेंट्स, ऑफ ₹2000, प्रिंसिपल आपको दिया हुआ है 2000 फॉर 3 ईयर्स, टाइम हो गया स्टूडेंट्स आपके पास 3 ईयर्स, एट 13% रेट, कंपाउंड एनुअली, एम हो गया 1। ये हम पहला पार्ट सॉल्व कर रहे हैं स्टूडेंट्स। जब आप पहला पार्ट यूज़ करेंगे तो एम आपने 1 लेना है, सेकंड पार्ट में एम आपने 2 यूज़ करना है सेमी एनुअली, क्वार्टरली कहते हैं कंडीशन 4 को यानी 4 टाइम, और मंथली कहते हैं साल में आपको पता है 12 महीने होते हैं, ठीक है। ये चेंजिंग हो जाएगी, सिर्फ एम चेंज होगा स्टूडेंट्स, बाकी डाटा यही रहेगा, ठीक है। मैं जो हूँ आपके लिए क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर रहा हूँ, 3 आप सॉल्व कीजिएगा। आंसर चेक करने के लिए मुझे रिप्लाई करें, मैं इंशाल्लाह उसे वेरीफाई करूँगा। आपके पास बुक है तो बहुत अच्छा है।
एस इज इक्वल टू पी वन फॉर्मूले का, आर आपको गिवन है 13, तो आपने 100 से डिवाइड कर देना है स्टूडेंट्स, तो आपके पास जो है वो डिवाइड करके 0.13, एम आपको दिया हुआ है 3, एम और टाइम आ गया आपके पास, टी हो गया 3 और एम हो गया 1, 2000 अपनी जगह रहा स्टूडेंट्स, 1 प्लस 0.13 डिवाइड बाय 3 इक्वल, तो आंसर आया स्टूडेंट्स आपके पास, और ये मैं कुछ डायरेक्ट कर देता हूँ कि लेंदी हो जाएगा, तो इसको मैंने स्टूडेंट्स सॉल्व किया और 2000 से जो है मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 1.13 पावर 3, 2000 अपनी जगह रहा स्टूडेंट्स, 2000 को बाहर वाली अमाउंट से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो हमारे पास एस एक्यूमुलेटेड वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी 288.579। इसमें हमें इंटरेस्ट नहीं मालूम करना, इसलिए हमें आई फाइंड आउट नहीं कर रहे। तो ये आपके पास स्टूडेंट फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट आप करेंगे, एम 2 रख देंगे तो ये हो जाएगा, एम की जगह आ जाएगा स्टूडेंट्स 2 और 2 आ जाएगा, टी जो है ना टाइम, तो टाइम तो वही रहेगा, एम टी है ना, तो एम आपके पास चेंज हो जाएगा। अगर हम एम को फॉलो करें तो एम हमने पहले लिखा था और टाइम बाद में, इस तरह लिख लें एम टी। अब सेकंड पार्ट में स्टूडेंट्स एम 2 है तो आपने 1 को मिटा के 2 लिख देना है, 2 3 6, 6 पावर आ जाएगी, इसे 6 टाइम सॉल्व करेंगे, 2000 से मल्टीप्लाई आंसर। नेक्स्ट पार्ट में आएंगे सी में, तो आपने 1 की जगह 4 लिख देना है, 4 3 12, इस आंसर को 4 12 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, देन मल्टीप्लाई करेंगे आंसर। इसी तरीके से मंथली सॉल्व करेंगे, 12 आ जाएगा, 12 3 36, यहाँ पावर 36 लिखेंगे, इस आंसर को 36 टाइम पावर अप्लाई करेंगे, 2000 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर। उम्मीद है आपको समझ आएगा, आप कर लेंगे, ताकि मुझे पता चले आप मेहनत कर रहे हैं, समझ रहे हैं घर में, इसके आंसर मुझे जो है आप रिप्लाई करें, मैं इंशाल्लाह आपको वेरीफाई कर दूंगा, आपके पासबुक है, आप पीछे से टैली कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 इंशाल्लाह आप लोग करेंगे, मैं देख लेता हूँ ईजी है कर सकते हैं या नहीं। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 आप कीजिएगा, बिल्कुल सेम है, कोई भी चेंजिंग नहीं है, रेट दिया हुआ है, प्रिंसिपल गिवन है, तो हम जो हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं, आपके सामने मैं लिख रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 स्टूडेंट्स आपके सामने, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट, एक बार फिर इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है, इंटरेस्ट आई से इंडिकेट होता है, ऑफ रुपीज 1500, प्रिंसिपल आपके सामने स्टूडेंट्स 1500 गिवन है, फॉर 1 ईयर, टाइम हो गया स्टूडेंट्स आपके पास 1 ईयर, एट 6.08%, तो रेट आपको दिया हुआ है 6.08%, कंपाउंड डेली, डेली का मतलब है एम, और एम कितना हो जाएगा डेली, तो डेली हो गया 365। ये पहला पार्ट है। सेकेंड पार्ट में स्टूडेंट्स प्रिंसिपल चेंज हो जाएगा, और आपने इसमें 3.5 लेना है, 3.5, और रेट भी चेंज हो जाएगा, कंपाउंड क्वार्टरली एम हो जाएगा 4, और टाइम आपके पास हो जाएगा 3.5 ईयर। ठीक है, अभी हम क्वेश्चन नंबर ए पार्ट सॉल्व करते हैं। डेटा आपके सामने बनाया है स्टूडेंट्स, फॉर्मूला आपको मालूम है, एस इज इक्वल टू पी 1 + R/M और एम टी फॉर्मूला है स्टूडेंट्स। एस मालूम करना है, प्रिंसिपल आपको दिया हुआ है 1 फॉर्मूले का, आर स्टूडेंट्स आपके पास है 6.08 डिवाइड बाय 100, 0.00608, 100 से डिवाइड कर देंगे रेट को स्टूडेंट्स, 6.08 डिवाइड बाय 100, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। एम स्टूडेंट्स आपके पास 365, और दोबारा से एम आ गया 365, और टाइम आपके पास है 1 ईयर, 1500 अपनी जगह 1, 0.068
डिवाइड बाय 365, 0.0016, 0.0016, 365 वन जा 365, 1500 अपनी जगह रहा स्टूडेंट्स, वन में इसे प्लस करा और साथ के साथ मैंने इसे पावर भी अप्लाई कर दी, तो आंसर आ रहा है 1.0626905। 1500 को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं स्टूडेंट्स, 94.04। एस मालूम हो गया, मालूम करना इंटरेस्ट। एस क्या है? एक्यूमुलेटेड वैल्यू। एस के लिए आई के लिए इंटरेस्ट आपको मालूम है, एस माइनस पी। तो एस आप फाइंड आउट कर चुके हैं। मैं देख लूँ कि ये वीडियो में इस वक्त सही आई मालूम करना है। एस आपने निकाला है स्टूडेंट्स, और प्रिंसिपल आपको दिया हुआ था 1500, तो आपको मालूम है कि जब ये 1500 रुपये माइनस हो जाएंगे तो 94.04, दैट इज योर इंटरेस्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने पार्ट वन सॉल्व किया है, पार्ट बी आप सॉल्व कीजिएगा ताकि आपकी भी प्रैक्टिस हो, करेंगे तो प्रैक्टिस होगी और आपको समझ आएगा। स्टूडेंट्स उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम 3.3 स्टार्ट करेंगे। आगे के क्वेश्चंस जो हैं वो सेम हैं, कोई चेंजिंग नहीं है। कोई चेंजिंग से मुराद ये कि मेथड यही है, इंटरेस्ट मालूम करना है या कंपाउंड अमाउंट मालूम करनी है, आप इजीली कर लेंगे। डाटा चेंज है, कभी प्रिंसिपल चेंज है, रेट चेंज है, कंपाउंड कंडीशंस चेंज है, इस तरीके से चेंजिंग है, लेकिन फार्मूला सेम यूज़ होगा। इंशाल्लाह आप कीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।